नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हमने बनाया सेव पूड़ी, वो भी देख रहे हो कितनी खस्ती और कितनी मजेदार है। यहाँ पे हमें सेव पूड़ी भी, बारिश भी आ रही, तो इसे मजे खाने में बहुत मजा आती है। तो चलो हम ज्यादा बातें करेंगे नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है और स्वादानुसार नमक। अभी यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है, यहाँ पे हम लोग मैदा ऐड करेंगे दोस्तों। और थोड़ा मैं बचा के रखूंगी मैदा, क्योंकि हमें लगने वाला है बाद में डस्ट करने के लिए। और हल्का सा हमें नमक डालना है, थोड़ा नमक इसमें थोड़ा ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे पूड़ी बना रहे हैं तो थोड़ा नमक थोड़ा ज्यादा चाहिए इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल मोयन के लिए। यहाँ पे हम लोग घी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ऑयल डालेंगे दोस्तों। 3 बड़े चम्मच डालना है, इससे हमारी पूरी एकदम खस्ती और मजेदार बनेगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हुआ है ऑयल। अभी हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यानी मोयन हमारा परफेक्ट हो जाता है। पहले हमें यहाँ पे पानी डालना नहीं है, पानी डालने से क्या होता है, हमें जो चाहिए वो रिजल्ट मिलता नहीं है। तो और ऑयल और नमक को अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है दोस्तों। डो को कभी भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इससे रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हम लोग पानी से टाइट सा डो बना लेना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, पहले ही ज्यादा पानी नहीं डालना है। तो यहाँ से हम एकदम टाइट सा डो चाहिए, एकदम टाइट, ज्यादा नरम भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम डो को टाइट सा बना लेते हैं, यानी डो बना लेते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे हमने टाइट सा डो बना लिया है दोस्तों, आप देख रहे हो इसी तरह से हमें यहाँ पे डो चाहिए, एकदम टाइट सा। अभी हम इसको 15 या 20 मिनट के लिए सेट करने को रख देते, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कंपलसरी में 15 या 20 मिनट हम डो को सेट करने को रख देना है। अभी यहाँ पर हमारे 15 मिनट हो चुके दोस्तों, ये देख रहे हो सेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग डो को पूरा चिकना कर लेते हैं, थोड़ा ऑयल डालना 1 चम्मच जैसा, और डो को अच्छी तरह से चिकना कर लेना, यानी हमारी जो पुड़िया होगी बहुत अच्छी होगी। तो डो को हम चिकना कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने चकला ले लिया बेलन वाला, अभी हम इसको डो को पेड़े बना लेना है इसी तरह से दोस्तों। हाँ दोस्तों, घर पे बनाना है और प्लीज मुझे कमेंट करना है। और बहुत यानी बहुत अच्छी बनती है, और बारिश भी आ रही है ना, एकदम ऐसी चीज तो हमें बहुत अच्छी लगती है बारिश में खाने के लिए, चटपटा सा, और खाने में इतनी भी मजा आ जाती है। जैसे बाहर जाते हो खाने के लिए वैसे कितनी मजा आती है, वैसे हमें इसमें मजा आने वाली है। तो बनाना भी तरीका बहुत ईजी है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे पेड़े करके 1.5 इंच जैसे या 2 इंच जैसे, और इसको ऐसे करके देना है। ओके, अभी हम इसको थोड़ा साइड रख लेते बाकी के पेड़े को। और हमने यहाँ पे लेना है लू और इसको हाथों से हथेली से एकदम चिकना कर लेना है। यहाँ पे हमें एक भी इसे दरारे नीचे, तो डो को हम इसे चिकना कर लेते हैं परफेक्ट। अभी यहाँ पर मैंने पेड़े ले लिए दोस्तों। यहाँ पे हमने सूखा भी डो ले लेना और इसको एक ही बार डस्ट करना है, बार बार डस्ट करना नहीं, सिर्फ एक बार। और इसको हमें रोटी के जैसे बेलना है, पतली वाली, मोटा बेलना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी बना रहे हैं इसकी, सेव पूरी की पूरी। तो यहाँ पे एकदम पतली सी रोटी हम इसको बेल लेते हैं इसी तरह से। अभी यहाँ पर हमने पतली वाली रोटी बेल ली दोस्तों। जैसे कि हम फुलका कैसे बेलते वैसे ही बेलना, इसमें मोटा चाहिए नहीं, सिर्फ पतली वाली रोटी, जैसे कि आप ये साइज देख रहे हो। और यहाँ पे पहले मेरे पास ये ढक्कन है, आपके पास कौन सा भी ढक्कन या कुछ भी होगा, ग्लास वगैरह, छोटा वाटी वगैरह, कुछ भी छोटी साइज चाहिए उस साइज का आप लेना। यहाँ पे मैं मीडियम साइज का कर रही हूँ। और इसको मैं पहले इसको साइड रख लूंगी, यहाँ पे मैं पहले फोक ले लूंगी, इससे हमें यहाँ की क्या पूरी हमारी फुल्ली नहीं चाहिए यानी। तो इसको हमें इसे फोक से इसे काटे कर लेना, यानी हमारी जो सेव पूरी की पूड़ी है फुल्ली चाहिए नहीं, इसको हमें फ्लैट ही चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसे कांटे लगाना है, देख रहे हो इसी तरह से, थोड़ा भी हमें यहाँ पे गैप नहीं चाहिए, एकदम अच्छी लगती है दोस्तों। प्लीज अपने घर पे बनाना और मुझे कमेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे फोक लगा दिए हुए हैं। अभी यहाँ पर हम लोग ढक्कन दे देंगे, इसे जो साइज चाहिए वो साइज में ऐसे करूँगी इसी तरह से। यहाँ पे मैं थोड़ा मीडियम साइज ही करूँगी, खाने में थोड़ी मजा आती है। और हम लोग रेडीमेड पूरी लाते हैं तो वो क्या थोड़ी छोटी होती है, पर हम यहाँ पे छोटी हम लोग मीडियम साइज कर रहे हैं इसी तरह से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसे निकाल लेना है, इसको परफेक्ट कर लेते हैं इसी तरह से, बाकी की सारी हम इसे निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने सारे बेल लिए दोस्तों, आप देख रहे हो इसी तरह से। अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग ऑयल चेक कर लेना है, यहाँ पे एकदम गरम ऑयल नहीं चाहिए, थोड़ा नॉर्मल ही चाहिए। मैं एक बार चेक करके बता रही हूँ, देखो धीरे से ऊपर आ रहा है। तो इसी तरह से हमें ऑयल चाहिए दोस्तों, ज्यादा भी गरम नहीं चाहिए, तो हमारी पूरी झट से बन जाएगी, फिर जो कलर हमें चाहिए वो आएगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक ही पूरी डाल देना है हमें इसी तरह से दोस्तों, और धीमी आंच पे हम इसको फ्राई करना है एकदम, जैसे कि हमारे बाहर की कैसे हमने लाते मार्केट की पूरी,
वैसे ही ये पूरी होती है दोस्तों, इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं, कुछ नहीं। देख रहे हो इसी तरह से ऑयल हमें चाहिए ठंडा, ज्यादा गर्म भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर चाहिए। अभी हम इसको ऐसे चलाएंगे, ये देखो एक एक करके ये ऊपर आ जाएगी अपने आप, देख रहे हो आप इसी तरह से ये अपने आप ऊपर आ जाएगी, हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, एकदम झटपट बन जाती है। इसको कलर आने तक इसको फ्राई कर लेते हैं गोल्डन। अभी यहाँ पे ऊपर आ गई है दोस्तों, अभी इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, देख रहे हो ये तुरंत कलर चेंज होगा। अभी इसको बीच बीच में से पलटी करते जाना है, यहाँ से हमने फोक लगाया तो ये फूलेगी नहीं, आप कभी फोक नहीं लगाओगे तो ये फूल जाएगी पूरी के जैसे, तो हमें ऐसा करना नहीं है, पे फोक लगाना ही है। तो इसको गोल्डन फ्राई तक हमें इसको फ्राई करना है, जैसी मार्केट की कैसी पूरी होती वैसा ही हमें इसका कलर चाहिए, वैसा ही रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ हमें गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। अभी हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है दोस्तों, आप देख रहे हो कलर कितना परफेक्ट है और कितनी परफेक्ट। अभी हम इसको निकालेंगे, वाव है ना, मार्केट की जैसी उससे भी बहुत बढ़िया बनाई है हमने ये पूरियाँ, बाकी की सारी हम पूरी ऐसे ही बना लेते हैं। देखा ना दोस्तों कैसे बना दी हमने पूरी, वो भी आपके साथ है। ऑयल थोड़ा यानी थोड़ा भी, मैं तोड़ के भी बता दूँ कि करारे कितने, देखो आवाज है ना, लग रहे ना एकदम परफेक्ट। इसी तरह से हमें बनानी है पूरी। अभी मैं आपको दही पूरी बनाएगी, इसके साथ ही दही पूरी को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने सेव पूरी बनानी, एक एक सेव हम यहाँ पे रखते जाओगे, यानी कि पूरी इसी तरह से खाने में बहुत मजेदार लगती है दोस्तों। इसी तरह पहले हम यहाँ पे डालेंगे आलू। हाँ दोस्तों बारिश भी आ रही है बाहर, ऐसा मन होता है खाने के लिए तो घर पे कितना इजीली बन जाता है और एकदम परफेक्ट बन भी जाता है ना। तो यहाँ पे हम आलू का स्टफिंग डालेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा प्याज डालेंगे, प्याज तो पहले चाहिए ही हमें है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्याज डाल दिए हुए हैं। अभी इसके साथ हम यहाँ पे टमाटर भी ऐड करेंगे, टमाटर भी डालना है और घर की सामग्री से हमने बनाया हुआ है इसी तरह से। अभी यहाँ पर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि यहाँ पर हमने स्प्रिंकल करना है चाट मसाले का, क्योंकि हमने थोड़ा टमाटर प्याज कांदा डाला है तो यहाँ पे हमें थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करना है। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, दही डालेंगे, क्योंकि दही तो डालते नहीं, हम लोग दही डाल रहे हैं, थोड़ा मैं यूनिक बनाने वाली हूँ और खाने में थोड़ा चटपटा सा है ना, तो मुँह का स्वाद ऐसा दुगना हो जाती है यार, क्या सही है ना, आपके मुँह में तो पानी आ ही रहा है ना। तो इसके लिए क्या करना है, घर पर बनाना है। और यहाँ पर हम लोग डालेंगे खट्टी मीठी चटनी खजूर इमली की, आपको ज़्यादा खट्टा मीठा पसंद हो आपके हिसाब से कम या ज़्यादा आप डाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मुझे ज़रा ज़्यादा ही पसंद है तो थोड़ा मैं थोड़ा ज़्यादा इमली की चटनी डालने वाली हूँ। अभी नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है तीखी चटनी, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड किया है दोस्तों, प्लीज़ आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डाल दी तीखी वाली चटनी। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे भर भर के सेव, क्योंकि हम लोग सेव पूड़ी बनाए तो सेव तो हमें चाहिए ही, तो यहाँ पे सेव में हमें चिंगुस नहीं करना है, ज़्यादा भर भर के डाल देना है इसी तरह से कि सेव पूड़ी बना रहे हैं हम। ओहो अभी यहाँ पे लास्ट में पड़ेगा हमारा धनिया, धनिया थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसी तरह से और स्प्रिंकल करते जाना है। देखा ना दोस्तों कितने लाजवाब कितनी झटपट बन जाती है, ज़्यादा टाइम लगा नहीं लगा दोस्तों। तो मुझे लग रहा है आपको वीडियो पसंद आए होगा, तो जितना होगा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ऐसे ही प्यार देते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।